हेलो गाइज, आप सभी का दोबारा से एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। गवर्नमेंट जॉब्स के यूट्यूब चैनल पर भाई और बहनों, आप सभी के सामने न्यू लेटेस्ट अपडेट हम लेकर आज के आपको बताने वाले हैं। अगर आप हरियाणा से बिलोंग करते हैं, हरियाणा के अंदर जो सीईटी ग्रुप सी और ग्रुप डी के जो भी लेटेस्ट अपडेट आ रहे हैं, जो भी नौकरियों के अपडेट्स आ रहे हैं, अगर आपको कंटिन्यू चाहिए तो आज ही आप गवर्नमेंट जॉब्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। सीईटी का नया लेटर जारी हो चुका है। सीईटी का एग्जाम आपने ग्रुप डी और ग्रुप सी की पोस्टों के लिए दिया था तो आपके लिए अपडेट बहुत ही जरूरी रहने वाला है। इस अपडेट में आपको खुशखबरी मिलने वाली है कि जो भी महिलाएं सीईटी का एग्जाम देकर आई हैं, जो भी भाई सीईटी का एग्जाम देकर आए हैं, अगर वो क्वालिफाई है तो क्वालिफाई वालों में अभी आपको पता चल रहा होगा कि चार गुना वाला जो सिस्टम है, चार गुना वाला सिस्टम आप समझ चुके होंगे। अगर 5000 पोस्टें आपकी हरियाणा पुलिस के अंदर आ रखी है पुरुषों की, तो 4000 जो चार गुना बच्चों को ही बुलाया जाएगा, मतलब टोटल आपके 20000 बच्चों को बुलाया जाएगा पीएमटी के लिए। कुछ पीएमटी में बाहर हो जाते हैं, बच्चे फिजिकल नहीं हो पाता, उसके बाद कुछ एग्जाम में बाहर हो जाते हैं, तो वो पूरा क्राइटेरिया 20000 बच्चों का रहता है, उसी में से सिलेक्शन लिए जाएंगे 5000 बच्चों के। परंतु अभी सरकार विचार कर रही है, जिन्होंने भी सीईटी दिया था, जिसका सीईटी क्वालिफाई है, चाहे स्कोर कम बन रहा हो, आपका 50 नंबर ही जुड़ पा रहा हो, अगर आपका सीईटी क्वालिफाई है तो आपको ये मौका देखने को मिल सकता है कि क्वालिफाई नेचर आपका हो सकता है। सभी बच्चे जो भी क्वालिफाई है सबको अगली परीक्षा में बैठने का मौका मिल सकता है, पीएमटी के लिए मौका मिल सकता है। तो आइए, जो भी लेटेस्ट अपडेट आ रही है आपको हर एक जानकारी सबसे पहले मिलती रहेगी। अगर अभी तक आपने गवर्नमेंट जॉब्स की वीडियो को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो आज ही गवर्नमेंट जॉब्स की वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आने वाले जो भी लेटेस्ट अपडेट होती है, जो भी नौकरियां होती है, सबसे पहले आपको हर एक जानकारी मिलती रहेगी। कोई भी डाउट होता है, कोई भी नोटिस नहीं मिल पाता, कोई भी नोटिफिकेशन आपको अधूरा लगता है, कोई भी जानकारी पूछनी हो, बिल्कुल आराम से कमेंट करके पूछ लिया करो। कमेंट करके जो भी आप कमेंट करेंगे हम आपके कमेंट्स को पढ़ते हैं, उनके रिप्लाई करते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, जाइए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। आने वाले भर्तियों के जो भी नोटिफिकेशन होंगे, जो भी अपडेट्स होंगे, कंटिन्यू आपको हर एक जानकारी समय समय पर मिलती रहेगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाइए ज्वाइन कीजिए, हर एक जानकारी आपको समय से मिल जाएगी। तो आइए, जो सीटी एग्जाम जिन्होंने भी दिया उनके लिए क्या अच्छा अपडेट आया, क्या जानकारी होने वाली, आपको पूरा अपडेट दिखाएंगे, बताएंगे, डिटेल से समझाएंगे। वीडियो पर कंटिन्यू बने रहे। ओके मेरे भाई और बहनों को बिल्कुल साफ साफ दिख रहा होगा, ये आज के न्यूज़पेपर की कटिंग रहने वाली है कि सीईटी को क्वालिफाई करने पर विचार कर रही है सरकार। डेली सीईटी के नए अपडेट्स डेली न्यूज़पेपर में छपते जा रहे हैं। हरियाणा सरकार सीईटी को क्वालिफाई करने पर विचार कर रही है। इस मामले को लेकर पिछले 3 साल से युवा लगातार मांग करते रहे हैं। इस समय ग्रुप सी और ग्रुप डी की भर्तियों में आयोग सीईटी पास मेरिट के 4 गुना अभ्यर्थियों को ही विभागीय लिखित परीक्षा के लिए बुलाता है, जबकि युवाओं की मांग है कि जो युवा सीटी पास है उसे अगली परीक्षा के लिए मौका दिया जाना चाहिए। इस मामले को लेकर हरियाणा सरकार सीटी की नीति में बदलाव कर सकती है, क्योंकि हरियाणा विधानसभा चुनाव अब आ चुके हैं। बहुत ही जल्दी आपको ये विधानसभा चुनाव की जो आचार संहिता है वो भी लग जाएगी, क्योंकि लगभग 2.5 से 3 महीने या 3.5 महीने ही पेंडिंग बचे हैं, आपको ही पता होगा। तो उनको लेकर सीटी जो मामला है वो फंसता जा रहा है। हरियाणा सरकार कुछ नया अपडेट करने वाली है, बच्चों को खुश करने के लिए सीटी क्वालिफाई भी कर सकती है। इसके ऊपर विचार चल रही है, कुछ नीतियां में बदलाव हो सकते हैं। जो भी सीटी पास उम्मीदवार है सबको अगली परीक्षा में मौका मिल सकता है। परंतु कुछ टाइम पहले सरकार ने बोला था कि अगला जब सीटी होगा तो हम उसमें क्वालिफाई कर देंगे, क्योंकि उस टाइम तक तो ये जो सीटी क्वालिफाई वाले जो बच्चे हैं इन्हीं से जो भी वैकेंसियां तो अभी हैं, वैकेंसियां तो ज्यादातर अभी फुल हो जाएंगे, तो अगली सीटी में कहां से वैकेंसियां मिलेंगे, तो उसका क्या फायदा होगा भीड़ को इकट्ठा करके। क्योंकि अगर सीटी आपको क्वालिफाई ही करना है तो अब की बारी कीजिए। सरकार को भी इसका बेनिफिट मिलेगा, बच्चों को भी इसका बेनिफिट मिलेगा, सभी खुश रहेंगे, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को मौका मिल सकता है। अगले जब सीईटी क्वालिफाई आप करेंगे तो उस टाइम वैकेंसियां भी कम हो सकती हैं, उस टाइम बच्चे भी जो लगने वाले हैं वो तो इन भर्तियों में लग जाएंगे, और उस टाइम भीड़ जो है कम वैकेंसी के लिए ज्यादा भीड़ इकट्ठी होगी, तो वहां पर मामला ज्यादा दिक्कतों में आता है। तो अभी की बार जो सीईटी क्वालिफाई करने का विचार सरकार कर रही है, बार बार सरकार यही चीज के ऊपर विचार चल रहा है कि हरियाणा सरकार सीईटी को क्वालिफाई करने का कर रही है विचार, लाखों युवाओं की मांग हो सकती है पूरे। तो आपको मैं बताना चाहूंगा
जिन्होंने भी सीटी जो दे रखा है वो सभी तैयार रहिए, आपका कभी भी मौका आ सकता है। और हरियाणा पुलिस पीएमटी 12 जुलाई से संभव होने की संभावना बताई जा रही है। जॉब के आपके फिजिकल है 12 जुलाई के आसपास शुरू हो जाएंगे। आपके जो भी एडमिट कार्ड वगैरह आएंगे टेलीग्राम ग्रुप में आपको अपडेट मिल जाएगा। तो हमेशा सबसे पहले हर एक जानकारी, स्टिक जानकारी, विशेषण जानकारी, सबसे पहले हर एक जानकारी पाने के लिए आज ही आप गवर्नमेंट जॉब्स की वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। छोटा सा अपडेट, आपको कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, कैसा भी लगा, आप सभी जाते जाते प्यारा प्यारा कमेंट जरूर कर देना। जो भी आप कमेंट्स करेंगे हम आपका रिप्लाई जरूर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।